हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी जनरल स्टडीज़ के 32 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग लगभग आपके सिलेबस को कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज हैं जिनमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर उनको अच्छे से कवर नहीं किया है, तो उनसे रिलेटेड ही अब आगे टेस्ट करवाएंगे। जैसे करंट अफेयर्स है उसमें, या फिर आपका जो टीचिंग रिसर्च आईसीटी एनवायरनमेंट, इनमें इनमें अभी आने वाले दिनों में वो टेस्ट करवाए जाएंगे आपको। और जिन भी एस्पायरेंट्स का, दोस्तों का 13 को एग्ज़ाम है, आप सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए, सब अच्छा होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला जिनका भी एग्ज़ाम है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ है, एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, या फिर आप है जो नीचे का इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। युद्ध अभ्यास इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, ये जो युद्ध अभ्यास है ये मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच का है, ये देखते हैं। युद्ध अभ्यास है ये इंडिया और अमेरिका, इन दो देशों के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, इंडिया यूएसए। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना चाहिए कि 2021 में कौन कौन से इंडियन आर्मी के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं 2021 में। इंद्र है, इंद्र इंद्र है इंडिया और रशिया का, हैंड इन हैंड ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और चाइना का। ये कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। मित्र शक्ति है ये है इंडिया और श्रीलंका का। इस गरुड़ शक्ति और है एक, गरुड़ शक्ति है ये इंडिया और इंडोनेशिया का है। मैत्री है, मैत्री भारत और थाईलैंड का है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। आपको युद्ध अभ्यास है, इसी की तरह एक वज्र प्रहार और है, वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका का ही है। ये इम्पोर्टेंट कुछ आपको 10-12 एक्सरसाइज मिल जाएंगी, इनके आप लिस्ट बना के जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म, नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म। देखिए, अभी जो भी एक तो समिट वगैरह हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने भी काफ़ी कॉन्फ्रेंस समिट किया है अभी लास्ट 3-4 मंथ्स में, तो इनके बारे में ज़रूर देख लीजिए आप, चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो, COP26 ये भी कार्बन न्यूट्रलिटी से ही रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म में कौन सा कंट्री इसका पार्ट नहीं है, देखिए चर्चा में इसीलिए है ये क्वेश्चन। अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने इसको ज्वाइन किया है नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म में। पहले कौन थे नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म में, पहले थे यूएस, कनाडा, नॉर्वे और कतर, ये चार कंट्रीज ही नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म में थे, लेकिन अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने भी इसको ज्वाइन किया है नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म को, इसलिए चर्चा में है। और इनमें से कोई अगर इसका मेंबर कंट्री नहीं है, पार्ट नहीं है, वो इंडिया है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल द इनइक्वालिटी वायरस, देखिए ये अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है इनइक्वालिटी वायरस से आप समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है।
ये डायरेक्टली कह रहा है कोविड-19 को इंडिकेट करके कि कोविड-19 वायरस है वो इन इक्वलिटी पैदा की है, इसकी वजह से इनइक्वलिटी हुई है सोसाइटी में, लोगों में। और इंडिया के बारे में ये कहा है कि जो बिलेनियर्स थे वो और ज़्यादा, उनकी जो एसेट है, उनकी जो मनी है, उनके पास ज़्यादा बड़ा है, जबकि जो लोअर मिडिल क्लास है या जो पुअर पीपल्स हैं उनको और ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट है ये कोविड-19 से रिलेटेड है। इसमें बताया है कि जो टॉप 100 बिलीनियर्स हैं उनका 12.97 ट्रिलियन इंक्रीज हुआ है, जबकि अप्रोक्सीमेट 70,000 लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। और वो भी कब, ये बता रहा है कि जो अप्रैल लॉकडाउन था, लॉकडाउन अप्रैल 2020 में, उस टाइम हर 1 घंटे में 70,000 लोगों की जॉब गई है, 70,000 पर आवर, ये ऐसा इसने कहा है इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट रिलीज किया है ऑक्सम इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन, व्हाट इज पूकलम? ये इंडियन जो ट्रेडिशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड पूछा है। देखिए ये क्या होता है, इट इज़ ए फ्लावर रंगोली मेड ड्यूरिंग द 10 डे ओनम फेस्टिवल ऑफ केरला। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे केरला में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ओणम का फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। ये 10 डेज का फेस्टिवल होता है जिसमें ये फ्लावर रंगोली वगैरह का रहता है, उसी को ये पूकलम बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बेसिक ग्रुपिंग? देखिए बेसिक ग्रुपिंग इसका कौन मेंबर नहीं है, इसका जो मेंबर नहीं है, बेसिक क्या है एक्चुअली, बेसिक में है ब्राजील, देन साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये बेसिक ग्रुपिंग है। सो इनमें से कौन मेंबर नहीं है? अर्जेंटीना बेसिक ग्रुपिंग का मेंबर नहीं है। ये जो बेसिक ग्रुपिंग है ये इन 4 कंट्रीज के बीच का एक एग्रीमेंट है, साइंड डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट है, और ये अभी इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ये ज़्यादातर इसका है जो ये जो कोपेन क्लाइमेट समिट है उसका जॉइंट है, ये एग्रीमेंट है ये। हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा एस्टैब्लिश्ड इन 1948? हिंद मजदूर सभा, इनमें कौन फाउंडर थे जिसकी स्थापना 1948 में हुई है? देखिए हिंद मजदूर सभा इसके फाउंडर रहे हैं आर एस रुईकर, ये प्रेसिडेंट थे, और अशोक मेहता इसके जनरल सेक्रेटरी थे। और भी इसके मेंबर रहे हैं, चाहे वो बासवान सिंह हो, मनी बहन कारा हो, टी एस रामानुजम हो, ये इसके मेंबर रहे हैं। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सो देखिए जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये SQL, ये एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है, और ये जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है ये किसके लिए है? ये है रिलेशन, ये डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा मैनिपुलेशन के लिए है। SQL इज यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड क्वेरी डेटाबेस।
सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, कोबोल, फोर्ट्रान वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। ये जो लैंग्वेजेज हैं ये किन किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज में ली जाती है? देखिए ये है, ये लैंग्वेज जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उनमें यूज में ली जाती है। और जो पीरियड था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का वो कौन सा था? 1965 से 71 तक रहा है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इनमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उनकी जगह ट्रांजिस्टर यूज में लिए जाते थे। और ये जो लैंग्वेज है ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की ही है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ व्हम। ये जो हड़पने की नीति है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जब लागू की गई उस टाइम गवर्नर कौन थे? उस टाइम थे लॉर्ड डलहौजी। ये रहे हैं 1848 से और 1856 तक। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति। इसमें कौन कौन से जो हैं ये वैसे तो पहले भी करवाया हुआ है इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। सतारा, जयपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर, अरकोट, उदयपुर, अवध, ये कुछ रीजन्स के ध्यान रखने हैं जिनको हड़प लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए थर्ड जनरेशन की हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस जनरेशन के कंप्यूटर्स के साथ एसोसिएटेड है? द डिस्कस्ड अराउंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड न्यू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड आर्किटेक्चर दैट, इसमें ना सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग नहीं है बल्कि इसमें लिंग्विस्टिक थ्योरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरफेस सिस्टम, ये सभी हैं फिफ्थ जनरेशन। ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ फिफ्थ जनरेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिमूविंग सॉफ्टवेयर बग डिटेक्ट। सॉफ्टवेयर बग या सॉफ्टवेयर डिटेक्ट, ये बग डिटेक्ट के लिए विच इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। इनमें से क्या यूज में लिया जाता है? देखिए कई बार आपने देखा होगा कि आपने फाइल डाउनलोड कर ली है लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें एक पैच फाइल आती है। वो पैच फाइल को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है जब ही आप किसी सॉफ्टवेयर को रन करवा सकते हैं, अगर आपने उसकी पैच फाइल को इंस्टॉल किया है। सो पैच फाइल क्या होता है? उसमें एक कलेक्टिव नेम है, ये जो भी कंप्यूटर में चेंजेस करते हैं, चाहे वो अपडेट हो, फिक्स करना हो कोई इशू को, या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना हो, इंक्लूडिंग उसका एड्रेस, सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, बग वगैरह, तो उसको पैच बोला जाता है। ये ध्यान रखना आप। डोंट बी इविल वाज द इनफॉर्मल कॉरपोरेट मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट जायंट। देखिए ये पहले मोटो हुआ करता था, अभी हटा लिया है इसको। ये कोड ऑफ कंडक्ट होता था जिसको अभी नाउ रिमूव ऑफ कर लिया है, ये हुआ करता था गूगल का। डोंट बी एविल ये गूगल का मोटो था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रपोज्ड फ्राइट कॉरिडोर इन इंडिया। इनमें से कौन सा प्रपोज्ड फ्राइट कॉरिडोर नहीं है? देखिए अभी जो तीन प्रपोज्ड कॉरिडोर हैं, तीन प्रपोज्ड हैं, वो है दिल्ली चेन्नई, ये है नॉर्थ साउथ,
जो दूसरा है वो है खड़गपुर से मुंबई, और ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तीसरा जो है खड़गपुर से है एक विजयवाड़ा, खड़गपुर से और विजयवाड़ा है ये ईस्टर्न कॉरिडोर है। जो प्रपोज्ड इन नहीं है वो है पुरी से चेन्नई, ये प्रपोज्ड इन नहीं है। देखिए अभी एक रिसेंटली जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, एनजीटी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई केस वगैरह फाइल कर रखा था उस पर, अभी रिसेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एनवायरनमेंट ज़रूरी है लेकिन एनवायरनमेंट के साथ देश की सुरक्षा भी ज़रूरी है। जो चार धाम के लिए ये रोड का जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था उसमें किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको कहा है कि आप इसको बनाइए, क्योंकि अभी तक वहाँ पे 5 मीटर्स की रोड है। लेकिन अब ये आर्मी के ही रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ने किया था, आर्मी के प्रपोजल पे, अब वहाँ 10 मीटर की रोड के लिए। और उसका है जो जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि भाई जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जब चाइना उधर दूसरी साइड है जो बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या वापस से 1962 की पोजीशन देखे जहाँ पे धक्के मार के हथगोले मशीनें ले जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। जो चार धाम को रोड बन रही थी वो प्रपोज था, वो अब सेंक्शन हो गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिनोटिंग द डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर माउस। देखिए आपने एक टर्म सुनी होगी मिक्की माउस, ये जो मिक्की है इट इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द स्पीड एंड मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर माउस, ये मेजरमेंट यूनिट है मिक्की। किसके लिए? कंप्यूटर माउस की स्पीड और जो उसकी डायरेक्शन का मूवमेंट है या स्पीड है उसके लिए है ये। सो इट इज़ यूज फॉर डिनोटिंग द मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर माउस, बी इसका सही आंसर होगा। ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए अभी जो एग्जाम लगा था उसमें एक क्वेश्चन आया था। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है? ग्रेफाइट ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, आंतरिक आग्नेय चट्टाने, ये इसका सही आंसर होगा। उसमें पूछा था कुछ मैग्मा फॉर्म फ्रॉम, सो जो ये जो आग्नेय चट्टाने हैं ये इनके वो ये किससे बनती है? जब जो लावा है वो ठंडा होता है उससे, और ये इसी का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा? इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, होपफुली आगे भी देखने को मिलेंगे। ये सभी आपको इसीलिए दिए हैं ताकि आपको पता रहे ये सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स कैन होल्ड बोथ डेटा एंड एड्रेस, देखिए रजिस्ट्री की बात हो रही है डेटा और एड्रेस दोनों को होल्ड करने की। जो जनरल पर्पज रजिस्टर है ये डेटा और एड्रेस, इट कैन होल्ड बोथ। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंबाइंड डेटा है और एड्रेस रजिस्टर्स है। इन विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड, PIL का कंसेप्ट कहाँ से आया है ये? देखिए 19th सेंचुरी में बहुत सारे मूवमेंट हुए थे जिसमें लीगल एड मूवमेंट था, एक जो लीगल एड मूवमेंट था उसी का पार्ट है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हुए हैं अमेरिका में, USA में। ये PIL ओरिजिनेट हुई है USA से। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म
फैकल्टेटिव लैगून समटाइम्स सीन इन न्यूज इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ, ये टर्म कई बार देखी गई है चर्चा में, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से एसोसिएटेड है, बट ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। EDVAC was one of the earliest electronic computers. What is the full form? EDVAC इसकी full form क्या है? ये सबसे earliest electronic computer थे ये एक तरीके से binary और stored program computer थे ये, binary और stored. So इसकी full form है electronic discrete variable ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स फॉर इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मेन सोर्स क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन का? इनमें से जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें से जो मेन सोर्स है वो है आपके रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। विच वॉज द फर्स्ट डेस्क टॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा फर्स्ट डेस्क टॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम है? देखिए इनमें से जो है ये है हाईकॉम्प 250, ये पहला डेस्क टॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसको किसने रिलीज किया था? ये रिलीज किया था पैकर्ड बेल, पैकर्ड बेल ने इसको रिलीज किया था। कब किया था? 1961 में। व्हाट कैन पॉसिबली बी कंटेंट बाय एन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप की बात हो रही है, इनमें से पॉसिबली बी कंटेंट बाय एन आईसी चिप। देखिए जो मोस्ट मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनमें सिंगल आईसी चिप में क्या होता है, सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल इंटरफेस एंड इवन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आल्सो, दे आर यूजुअली कॉल्ड द सिस्टम्स ऑन इट चिप। सो जो आईसी चिप है इसमें सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेज ये सभी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम बस, सिस्टम बस क्या होता है? देखिए जिससे सीपीयू एंड मेमोरी जिससे कनेक्ट होते हैं, जिस बस के थ्रू सीपीयू और मेमोरी कनेक्ट होते हैं उसको सिस्टम बस बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा बी। देखिए ज्यादातर तो जो सीपीयू और मेमोरी है ये दे वर्क सिंक्रोनसली। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्ड यूट्रोफिकेशन, ये क्या होता है? अगर कोई बॉडी ऑफ वाटर है जहाँ पे पानी है वो ज़्यादा एनरिच हो जाए, उसमें ज़्यादा मिनरल्स आ जाएं या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, उसमें ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्ज हो, या उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन डिप्लेशन है उस वाटर बॉडी का स्टार्ट हो जाता है। यूट्रोफिकेशन की वजह से, यूट्रोफिकेशन कैन कॉजेज ऑक्सीजन डिप्लेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी एंड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम जो एल्जल ब्लूम है वो शुरू हो जाता है, और उसके रिजल्ट ये होता है कि जो फाइटोप्लैंकन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा
ओवर फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ब्लूम ऑफ सम वाटर स्पेसीज। इसको गूगल करके और पढ़ लेना भाई, ये चर्चा में है इसीलिए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई रैंडम क्वेश्चन है, चर्चा में है ये। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू। देखिए इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना, ये पिछले 2-3 साल से ज़्यादा चर्चा में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी आपको पढ़ने चाहिए। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये कब साइन हुआ था? स्टॉकहोम कन्वेंशन वाज साइंड इन 2001, और ये कब से इफेक्ट में हुआ है? ये 2004 से इफेक्टिव। ये किसके साथ? इट इज रिलेटेड टू एम टू कर्ब द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसका प्रोडक्शन भी कम करना है एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ऑल्सो। सो बी इसका करेक्ट आंसर है। द 3D ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्लेटफॉर्म नेम्ड पॉली इज ऑपरेटेड बाय विच टेक्नोलॉजी मेजर। ये किसकी टेक्नोलॉजी है? 3D ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्लेटफॉर्म पॉली। देखिए ये क्रिएट किया है टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी चर्चा में है पॉली। ये 2020 से ही, जून जुलाई 2020 से ही चर्चा में है। इन विच कंट्री इज द चाबार पोर्ट लोकेटेड? ये पोर्ट हमेशा चर्चा में रहता है, चाहे वो चाइना की वजह से हो, चाहे पाकिस्तान की वजह से हो, चाहे अफगानिस्तान की वजह से हो, चाहे ईरान की वजह से हो, या फिर इंडिया की वजह से हो, या उज्बेकिस्तान की वजह से हो, ये पोर्ट हमेशा चर्चा में रहता है, चाबार पोर्ट। अभी इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान ने इस पे एक ज्वाइंट डिस्कशन किया है, और ये चाबार पोर्ट है ईरान में। एक आपने सुना होगा ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एलेबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। देखिए ये 1605 टू 1689 या फिर कहें 17th century, ये थे एक फ्रेंच मर्चेंट ट्रेवलर जिन्होंने इसका डिस्कस किया था, डायमंड और डायमंड माइंस ऑफ इंडिया का। इसका करेक्ट आंसर है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवलियर। आगे भी आपको टेस्ट करवाते रहेंगे, जो एरियाज में आपको लगता है कि यहाँ पे और क्वेश्चन बन सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।